ऑर्गेनाइज दिस वार्डरोब. ये वार्डरोब बेसिकली किसी एक बंदे की नहीं है, इसमें मेरे हस्बैंड का भी स्टफ है, मेरे बेटे का भी है, मेरा भी है. सो इट्स ऑल इन टुगेदर. एनी वेज, सो दिस इज जहरान का बेसिकली इसके अंदर है. सो दिस इज हिज ट्राउजर्स, शर्ट्स एंड लाइक यू नो जो कॉटन के ट्राउजर्स होते हैं, ये वो हैं होम वेयर क्लोथ्स बेसिकली. और ये उसकी कुछ बिप्स वगैरह पड़ी हुई हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि रेयरली यूज होती हैं. नीचे उसके नाइट सूट्स पड़े हुए हैं. देन आई हैव हिज शूज़ ओवर हियर, जो कि ये अभी पहनना शुरू करेगा क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा बच्चा शूज़ नहीं पहनता. एनीवे, सो यहाँ पे उसके नैपकिन्स हैं, यहाँ पे उसकी कुछ पिप्स भी हैं और कुछ सॉक्स हैं. इसके ऊपर मैंने अपने कुछ बैग्स रखे हुए हैं. देन कैप्स हैं, कुछ टॉवल्स हैं. इसके अलावा ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं. नीचे मैंने जो क्विल्ट ब्लैंकेट होता है वो मैं यहाँ पे तय करके रख देती हूँ दिन में. सो दिस इज़ हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज्ड. बेसिकली पहले मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र नहीं थे, तो मैंने अभी इसको ऑर्गेनाइज़र में किया है सहरान के स्टफ़ को. और यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड के कपड़े थे वो मैंने शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ पे. सो आई हैव दिस थिंग ओवर हियर. सो ये बेसिकली मैंने सहरान के लिए बनाई थी, लेकिन काम मेरे हस्बैंड के आ गई है. सो मैंने यही सोचा था कि यहाँ पे सहरान के जो यहाँ पे एक शेल्फ थी जो मैंने रिमूव की है एक्चुअली, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का स्टफ आ गया काफ़ी सारा नीचे. बट स्टिल इट्स अ लॉट बेटर, क्योंकि इससे पहले बहुत खपला हो चुका था, स्पेशली आफ्टर विंटर सीजन कपड़े काफ़ी सारे निकालने होते हैं. नीचे जाय नमाज पड़ा है, जहरान का एक टॉय पड़ा हुआ है. सो या